दूसरी बार भी समथिंग रियली वेरी स्ट्रेंज हैपेंड. मैं लाहौर में था और मोइन साहब एनीवे आई नो मैं से दैट एंड इवन टुडे आज आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि मैं मोइन साहब का जिक्र कहीं से भी करूंगा. मेरे यू नो रिमोटेस्ट वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं था कि मैं मोइन साहब का नाम लूंगा. लेकिन ये जो गाना आपने गाया ये मोइन साहब को बहुत पसंद था. एंड समहाउ इट सीम्स लाइक दैट मैं जिंदगी में कोई भी चीज इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ आई एम रिमाइंडेड ऑफ हिम ऑलवेज एंड वेर एवर यू आर यू नीड टू नो दैट आई लव यू एंड आई मिस यू एंड आई ट्रूली डू मिस यू. आई थिंक यू हैव बीन द बेस्ट टीचर इन माई लाइफ. यू हैव बीन द बेस्ट पर्सन दैट आई हैव एवर नोन इन माई लाइफ. यू हैव टॉट मी ऑन शोज हाउ टू बी सो थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू वर हियर एंड आई विश दैट आई कुड कॉल यू ऑन माई शो. I wish I could hug you, hold you, and tell you that I love you, and I miss you every single day of my life. Whenever I'm down, I just want that I should have the liberty of calling you and waking you up like I used to, and talking to you, and stress out of things, and expecting that you'd be there to solve it. So thank you. Thank you for being more than. Ladies and gentlemen, right now हमारे और तो बहुत सारे मेहमान तो यहाँ है ही हैं, लेकिन 10 साल से फैंसी चूड़ी और मेहंदी की रस्म का फैंसी सामान बनाते हैं. चार कजिन्स मिलकर शॉपिंग सेंटर में ये काम करते हैं. दुकान के साथ साथ घरों में जाकर भी रस्म का सामान लगाते हैं. ये सारा सामान जो है ये आप लोग बनाते हैं? जी बिल्कुल. नईम अहमद आपका नाम है? अस्सलाम वालेकुम नईम. हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक है. अच्छा, तो ये सारा सामान जो है आप बनाते हैं? जी, ये मैं खुद बनाता हूँ. और ये जो सजाते हैं ये भी आप सजाते हैं? ये तकरीबन मेरे से. जैसे ये ट्रे जो है, ये वाली जो बीच में रखी हुई है, ये कितने की होगी? ये तकरीबन 1500 की पड़ती है. 1500? इसमें मेहंदी भी आती है या नहीं? मेहंदी नहीं, मेहंदी नहीं, सिर्फ इस तरह. तो फिर फायदा? अच्छा, मेहंदी हम लोग लेते हैं. यस. ओके, मतलब मेहंदी हम जो भी दूल्हा दुल्हन. मेहंदी तो फिर इसके जैसे ही कस्टमर लेता है ना, उसके बाद मेहंदी भी देते हैं हम लोग. आप लोग देते हैं? हाँ, यूज करने के लिए. ओके ओके ओके. इट्स लाइक यू नो आई ऑलवेज हेट जब आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिलता है और उसके साथ बैटरीज ना हो. मुझे बहुत बुरा लगता है. आई ऑलवेज वांट कि मुझे कम से कम वो सेल्स जो है वो तो मिल सके. तो ये सब आप लोग बनाते हैं? जी, ये कम. अच्छा, ये परांदे? ये परांदे तो लेकिन मार्केट से आते हैं और इसी के साथ कस्टमर लेता है. तो ये परांदे लगते कहाँ हैं? मतलब ये कस्टमर जब ये मेहंदी का सामान लेता है तो उसके परांदे उसको कस्टमर खुद लगाते हैं तो आगे इस बालों में. क्यों? मतलब अच्छा लगे. जैसे ये सारे कलरफुल होता है तो फिर बाल भी कलरफुल लगते हैं. ओके, अच्छा. आप अब नो आइडिया. मुझे ये बताइए, ये आपको पता है ये क्या क्या है? ये दिया है, ये तीन तो दिए हैं. ये प्याले होते हैं रस्म के लिए, मेहंदी के लिए. एक में मेहंदी डाल दी, एक है. में उपटन डाल दिया, एक में तेल डाल दिया. ओह वाओ, ओके. और ये बीच में जो एक, ये जस्ट फॉर डेको. अच्छा, इट डजंट हैव एनी पर्पस. नो, इट डजंट हैव एनी. अच्छा, और ये इसमें आप वो टी कैंडल्स डाल दीजिए मेहंदी के लिए और वो ताकि वो लगना. अर्क कई लोग डालते हैं, कई नहीं डालते, डिपेंड्स. ओके, तो इसमें खाने की कोई चीज नहीं होती? ये वो अलग प्लेटर बनता है खाने का. वो प्लेटर, वो जो लड्डू वगैरह लाते हैं वो किस में? तो फिर ये जैसे रसम के लिए ये प्लेटर जो आगे लगे स्क्वायर वाले. यार आई स्वेयर मुझे पता नहीं है. मैं आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट. तो चॉकलेट्स और स्मार्टीज हो गए. अब लड्डू नहीं. अच्छा, चॉकलेट्स क्या होते हैं? क्या हो गए? चॉकलेट लड्डू से स्मार्टीज हो गए ना. स्मार्टीज हो गए. यू वांट द लड्डू स्टफ्ड इन देयर माउथ. स्मार्टीज इज सो मच इजीियर. स्मार्टीज हो गए. प्लीज टेल मी व्हाट अ स्मार्टी इज. आई हैव नो आईडिया व्हाट इज अ स्मार्टी. हम लोग इतने अच्छा बहुत मॉडर्न हो गए. तो लड्डू छोड़ दिए किसी? Yeah. कोई लड्डू नहीं खाता अब. आज के लड्डू नहीं, कोई लड्डू नहीं खाता. यार दिस इज बैड. एंड नाउ दीस डेज टूथपिक लगा दी जाती है गुलाब जामुन में ताकि आप टूथपिक से उठाएं और डाल दें मुंह में. ये भी इशू नहीं है. क्यों? क्यों? अब लड्डू शादी का नाम है. हाइजीनिक तरीके से. अरे मतलब हम लोग इतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए कि हमने डिसाइड कर लिया कि लड्डू शड्डू कुछ नहीं खाना. अब घोड़े डोली खत्म हो गई है. नहीं, घोड़े डोली तो अपनी जगह है. कहाँ? अब तो बगी है, बगी में आते हैं. नहीं, डोली 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 राइड मेहंदी पे डोली मैंने बहुत पसंद है. नहीं, जिस तरह से घोड़े पे बारात, मतलब दूल्हा बैठा होता है आगे, वो बाजे बज रहे हैं तो वो पैसे फेंके जा रहे हैं, पीछे पैसे लूटे जा रहे हैं.
नहीं घोड़ों पे तो अभी भी है बिकॉज पैसा लूटना पंजाब में आप चले जाएं घोड़े पे बैठे यहाँ पे हम बेशुमार शो करते हैं मैंने कभी यहाँ पे शो में कोई घोड़े पे बारात आती हुई नहीं देखी यार मैंने देखी है नहीं मैंने देखी है घोड़े में बग्घी में देखी है लेकिन घोड़े पे बैठे हुए बहुत कम देखी घोड़े पे यूं करते हैं कि थोड़ा सा घर में बैठते हैं वहां से मूवी उतर जाती है फिर वेन्यू के ऊपर जाके बैठते हैं बीच में गाड़ी में सफर दिस इज वेरी ट्रू यू राइट दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंस बट दीज आर लिटिल थिंग्स व्हिच डू मैटर अ लॉट अगर आप वेडिंग कर रहे हो तो ये चार्म्स हैं जिसको आप पूरा करोगे तो यू गेट वेरी एक्साइटेड अच्छा डोली का कॉन्सेप्ट छोड़ो मैं अपने मतलब की बात कर रहा हूँ मुझे ये बताइए आप हमको कोई ब्राइडल मेकअप फ्री दे सकती हैं ऑफकोर्स इट विल बी माई प्लेजर बिल्कुल पक्का आप प्लीज अनाउंस करें कि मेरे सैलून में आई डोंट नो हाउ यू डू इट बट ये कि आई वुड लव टू डू किसी का आपके शो में जो कॉल करते हैं उनके लिए ब्राइडल मेकअप एंड इवनिंग मेकअप ऑन द सेम डे ऑन द सेम डे मतलब कितने लोगों को दे सकते हैं इवनिंग मेकअप कितने लोगों को हाँ तो और कम कितनों की एक ब्राइड होगी तो उसके साथ दो लोग आ जाए ओके एक ब्राइड के साथ दो लोग अच्छा जी तो आपके घर में से तीन लोगों को जिनमें से दो को इवनिंग मेकअप दिया जा रहा है इवनिंग मेकअप दिया जा रहा है और एक को ब्राइडल मेकअप दिया जा रहा है एब्सोल्युटली फ्री राइट जी एब्सोल्युटली फ्री एब्सोल्युटली फ्री लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया छोटा सा है क्राइटेरिया ये है कि आपने सबसे ज्यादा SMS करने हैं DKB लिखिए जो सबसे ज्यादा SMS करेगा सबसे ज्यादा आई मीन इन थाउजेंड्स जो सबसे ज्यादा SMS करेगा उसको हम देने जा रहे हैं समन की तरफ से ये एक ब्राइडल मेकअप है और दो जो है वो इवनिंग मेकअप है अच्छा क्या डिफरेंस क्या होता है बिटवीन अ ब्राइडल मेकअप एंड एन इवनिंग मेकअप ब्राइडल मेकअप इज मच मोर हेवियर मैं गारंटी कहता हूँ एक्सक्यूज मी मैं गारंटी कहता हूँ कि इन शोज के बाद आई एम गोइंग टू चेंज माय नेम आप लोग यू गाइज कैन कॉल मी रुखसाना बिकॉज आई एम गोइंग टू बी दैट बिकॉज मुझे इतनी औरतों की बातें पता चल रही है इवनिंग मेकअप ये होता है ब्राइडल मेकअप ये होता है दूध पिलाई ये होती है तो अच्छा सो हाँ तो ब्राइडल मेकअप इज मच मोर हेवियर एंड ऑब्वियसली उसमें हम पूरा ज्वेलरी और वो सब उस तरह से इलैबरेटली सेटअप करते हैं आई मेक आईज भी डिफरेंट तरह की होती हैं द हेवियर द ब्राइड ऑल्सो वॉन्ट्स टू लुक डिफरेंट और इवनिंग मेकअप इज मच लाइटर यू नो इट एंड हेयर इज जनरली ओपन इवनिंग मेकअप में मच मच इट्स अ मच मोर सॉफ्टर लुक सॉफ्टर बट फॉर्मल ओके ओके अच्छा कभी मेन भी आते हैं मतलब जो मेहंदी के लिए तैयार हो रहे होते हैं वो लोग भी कभी आते हैं आई एम श्योर आते होंगे और आना चाहिए दे हैव टू लुक एज गुड एज द गर्ल्स बट ये हमारे सैलून में अलाउड आपके सैलून में अलाउड नहीं 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 मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं वैसे बोल रहा हूँ मतलब मैंने कहा टीवी में बोल दो नहीं इट्स गुड बिल्कुल ठीक है और अलाउ होना भी नहीं चाहिए मैं तो बोलता हूँ मर्दों को मुंह भी नहीं धोना चाहिए क्यों धोते हैं आप लोग मुंह बिल्कुल नहीं धोना चाहिए ऐसे कामों काम मुंह धो रहे हैं शेरा ने मुंह तो वैसे ही तो बिल्कुल और नहीं तो क्या पड़ जाएगा जरा से साफ हो जाएंगे बस इतनी सी बात है इससे ज्यादा क्या होगा अच्छा मुझे ये बताइए आप कितने साल से ये काम करें तकरीबन 10 साल है तो क्या हॉस्पिटल से सीधे काम करना शुरू कर दिया था नहीं तकरीबन 10 साल हो गए मुझे क्यों लगता नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लगता यार बिल्कुल भी नहीं लगता आपकी शादी तो नहीं हुई ना नहीं ओके अभी तो टाइम है तो कैसी लड़की कैसी चाहिए मतलब क्या ख्याल कैसा है कि कैसी होनी चाहिए लड़की ये तो घरवाले भी पूछ रहे हैं मगर उनको भी नहीं बता पाया मैं उनको नहीं बता पाया मतलब पता नहीं है छुपाना चाहते हो तकरीबन छुपाना ही चाहता हूँ छुपाना चाहते हो देखा मुझे वाइब्स मिल जाती है मैं सच बता रहा हूँ मुझे किसी ने नहीं बताया वाइब्स मिल जाती है अच्छा कब सिलसिला कब से है उनसे नहीं अभी ऐसा सिलसिला हुआ ही नहीं अभी हुआ ही नहीं है वाकई तो क्या ख्याल क्या है कब तक करेंगे कुछ टाइम है जिंदगी में कुछ करना चाहते हो बिल्कुल उसके बाद अच्छा जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद आपसे यही मिलेंगे आपने जाना कहीं नहीं है नईम से मैंने पूछना है कि इनकी जो एक आइडियल लड़की है वो कौन है हाँ तो क्या हो गया बेचारा क्या मतलब मैं तुमसे कोई ऐसा सवाल तो नहीं कर रहा पूछ सकते हैं ना तुम मुझसे पूछो मेरा आइडियल कौन है आपका आइडियल कौन है कितवीना क्या क्या मतलब क्या मतलब है दिस इज हाउ इट इज ऐसा होना चाहिए आजकल कितवीना क्या आजकल हाँ छोटा सा ब्रेक जी आप सुनते हैं ब्रेक की बात